गाइस, मेरे चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पीनट बटर का जो है बर्फ़ी, और इससे बहुत अच्छी मिठाई बनती है। इससे पहले मैं आपको इसका पराठा बनाना बता चुकी हूँ, तो इसका आज हम बनाएंगे बर्फ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने 2 चम्मच घी लिया हुआ है, तो मैं गैस ऑन कर दूंगी और इसके बाद ये हमारा बटर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो मैं इसमें पीनट बटर डालूंगी। और इसके लिए मैंने पीसी हुई, हमें जो शुगर है पीस ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमारा मीठा है। तो ये मैंने लिए हैं 4-5 चम्मच चीनी लिया हुआ था। तो जो हमारा घी था वो ऑलरेडी गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ पीनट। ये आप जितना बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग ही डालें। तो मैं अभी 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं इसमें। इसको जो हमारा ये घी है इसमें बिल्कुल हल्की आंच में ही करूंगी मैं, इसको जले ना, इस तरीके से इसको मेल्ट होने दें, घी में बिल्कुल ये हल्का फ्राई हो जाए। देख सकते हैं आप, बहुत टेस्टी और हेल्थी इसका जो मिठाई है बहुत ही टेस्टी बनती है, तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए इस तरीके से। ध्यान से आप इसको कीजिए, इसमें जो खुशबू आ रही है बहुत ही अच्छी टेस्टी खुशबू आ रही है। तो इस स्टेज पे हमें क्या करना है, इसमें शुगर ऐड करना है। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड करें क्योंकि ऑलरेडी इसमें शुगर होता है। इसकी खुशबू जो है ना, मैं बता नहीं सकती आपको कितनी अच्छी टेस्टी खुशबू आ रही है। तो ये इस तरीके से होगा, बस चुटकियों में, मतलब आप इसे इजीली बना सकते हैं। आप इसे इस तरीके से हो चुका है, मैं कर रही हूँ गैस बंद। तो गैस हमने बंद कर दिया है, थोड़ी देर में इसको ठंडे होने के लिए छोड़ दूंगी। तो गाइस देख सकते हैं, इसमें मैं ऊपर से इसको थोड़ा सा सजाने के लिए, गार्निश करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा बादाम कट कर रही हूँ। आपके पास और भी कोई चीज़ हो तो आप वो डाल सकते हैं, जैसे काजू वगैरह या पिस्ता काजू, इस तरीके से आप कुछ भी। तो इसको मैं अच्छे से कट कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें लंबे स्लाइस में हमें कट करना है इस तरीके से। तो थोड़ा सा मैंने कट कर लिए हैं और कट कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं सारे कट कर लूँगी उसके बाद। तो ये वो बर्तन है जिसमें मैं इसको जमाने की रखूँगी, बर्फ़ी को जमाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, इस पर मैं लूँगी ऑयल, थोड़ा सा ऑयल लेके आप इस पर ग्रेस कर लें। तो इस पर मैं पूरे में ऑयल लगा दूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखा। तो देख सकते हैं मैंने इस पर ऑयल से पूरा ग्रेस करके इसको
और इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के इसको चारों तरफ ऐसे कर लें आप, ताकि जो हमारा बर्फी है इस पर चिपके नहीं। तो इस तरीके से करके मैंने इसको रख दिया है। अभी थोड़ा सा मेरे जो ये था मैंने बना के रखा हुआ था, अभी थोड़ा हल्का गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा और होने दूंगी मैं इसको। इसके बाद मैं इसमें जमाने के लिए रख दूंगी। तो ये ठंडा हो चुका है ऑलमोस्ट, तो मैं इसको डाल रही हूँ इसमें। मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी इसको। तो गाइस देखिए मैंने इसमें सारा इसको डाल दिया है और इसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रीज में, और थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा सा फूलने लग जाएगा तो उसके बाद ही मैं ये जो मैंने बादाम कट कर रखे उसके बाद ही डालूँगी, क्योंकि अभी मैं डालूँगी तो ये सारा नीचे बैठ जाएंगे, तो इसलिए थोड़ी देर बाद मैं इसको ऐड करूँगी और आपको दिखाती हूँ कि कैसे। गाइस देख सकते हैं जो मेरी मिठाई है वो बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो देखिए, तो एक बार मैं आपको जूम करके भी दिखा दूंगी। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइए और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए।